अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशर खबरनामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। चित्रू इंद्रवालस मंज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशनुक सांज करना आमुत यथ मंज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर आत मौकस पेट यत वर्करन पेट जोर दिन आव ज तम गसन इलाकस मंज पार्टी मजीद मजबूत बनावन बापत सुखसान काम करन तत चो आत मौकस पेट उमर अब्दुल्लान पीडीपी पार्टी हिंज नक्त चीनी करान वोनमुत ज वरी जुसास 14 मज यस गलती पीडीपी तरफ करना आई तम गलती हुन सजा छ वारियास कालस जम्मू कशीर हिंदन लूकन तुलन यका छ बावन लायक जी यते हदबंदी कमीशन तरफ रिपोर्ट मुकम्मल सबदन छ खबर ब्रोखुन यन पत वमेत छ बावन यवान जी यन वलिस केसस वक्तस मज ये रिपोर्ट मंजर आम त छ सीओसी जमोत तरफ शहर गाम सियासी जलसन तो रैलियन हुन सांस करने यवान या दौरान अकिस अक्सन्स नक्त चीनी करान लूक पानस कुन फिरने कोशिश करने छ यवान। मुझे कोई इख्तदार की लालच नहीं है, ना मेरे साथी मिनिस्टर बनना चाहते हैं आपके साथ, हमें आपका मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा या एमएलसी भी नहीं चाहिए। बिना शर्त के हम चुपचाप पीछे बैठ के आपकी मदद करेंगे। आप हुकूमत बनाइए, लेकिन कम से कम उन लोगों को मत लाइए जिनके इरादे इस रियासत के लिए सही नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी कुछ और थी, उनका फैसला कुछ और था, और जैसे हमने यहां पे एक अलग तो अंदाज में कहा गया था, लेकिन वो यहां पे भी बिल्कुल फिट आता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब उस एक फैसले का हम कब तक सजा भुगतेंगे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमसे की गई बात जो है वो सच साबित नहीं होती। हमें कहा गया था कि 370 हटाने से यहां अमन आएगा, यहां तरक्की के काम शुरू होंगे, यहां बाहर से पैसा आएगा और लगेगा, यहां पे नौजवानों को रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उनको रोजगार के ऑर्डर फरहम किए जाएंगे। अरे आप जिस हाईवे से किश्तवाड़ छात्र हमें घंटा भी नहीं लगा, क्या वो 2018 के बाद बना? जो सब डिवीजन की दफ्तरें कायम हुई, जो नए ब्लॉक बने, जो नई तहसीलें बनी, जो हुकूमत को लोगों के ज्यादा करीब लाने के फैसले हुए, क्या वो 2018 के बाद हुए? उल्टा कई जगहों पर हमने नए ब्लॉक बनाए, वहां इन्होंने वीडियो नहीं बिठाया। कई जगहों पर हमने तहसील के ऐलान किए, तहसीलदार नहीं बिठाया। हमने एसडीएम कायम किए, एसडीएम ही नहीं बिठाया। तो फिर अपने दौरे हुकूमत में हमने यहां पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, इस उम्मीद के साथ कि यहां के बच्चे बच्चियां उन प्रोजेक्टों में काम करेंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, जिन्होंने कम तालीम हासिल की होगी कम से कम मजदूरी करेंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं ठेकेदारी करेंगे। लेकिन आज दिखता नहीं है कहीं, मजदूर भी बाहर से, ठेकेदार भी बाहर से, मुलाजिम भी बाहर से। आई जी बी एस एफ राजा बाबू सिंह आज टंगडारस मे तकरीब पत जरा इबलाग सत कान वोनमुत ज बी एस एफ तरफ सरहदन हिफाजत यकीनी बनानस मज अहम रोल अदा कर तो ब्रोकुन ते रोज ये जारी। बी एस एफ ने दोनों सीमाओं की सुरक्षा में, चाहे भारत ये भारत पाक सीमा हो या भारत बांग्लादेश सीमा हो, साथ ही जो मिलिटेंसी है चाहे पंजाब की हो, कश्मीर की रही हो, या फिर नक्सल एरिया में काम करने का इसका अपना रिकॉर्ड रहा हो, बीएसएफ का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और हमें गर्व है कि बीएसएफ ने इतने लॉरल्स अचीव किए हैं और पूरे देश में बीएसएफ को लोग सम्मान की नज़रों से देखते हैं। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, चाहे एडवांस विंटर स्टॉकिंग की हो या उनको दूसरे जो विंटर क्लॉथिंग देने की बात हो, जो भी शासन की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है जवानों के लिए,
वो सारे इंतजाम कर लिए गए। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है हर तरह से सक्षम है और सतर्क है, चौकस है और किसी की मजाल नहीं कि हमारा कुछ कर सके। अशबल सोबर पेट आम लूको तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल लूक गुलाम नबी न्यायिको साजियबी हज मांग करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत जुदवे फ्रूट मंडी सोपर सबस्त मरूफ ताजर गुलाम नबी न्यायिको जुतवु सितंबर तजारत किस सिलसिलस में शुपियन रवाना सपुद तो तन पे पुर असरार पे लापता ताहम चुन आज तम गुलाम नबी न्यायिको बाजियाब सपुदमुत यम कि तुम एहजाज कर मजबूर सपद एहजाज में शामिल लूको तरफ से एल जी इंतजामिया तो पुलिस मांग कर आम लापता शख्स साजियबी हवाले ग संजीद कदम तुलन यन युत जन लवकिन मं पैद सपुदमुत तशवीश दूर कर सर। एक्चुअली हम सोपोर अचबल से हैं, इस कारण की वजह से आए हैं। मिस्टर गुलाम नबी न्यायिको जो मेरे अंकल हैं सर, पिछले 15 साल से फ्रूट मंडी सोपोर में एक मशहूर मारूफ काम कर रहा है सर, जो कि 22 सितंबर से को वहाँ शुपियान किसी बिजनेस के सिलसिले में गया, लेन देन के सिलसिले में। और वजह क्या थी, 6:45 इस टाइम था, लास्ट कॉल ट्रेस आउट कराया हमने, लेकिन उस टाइम से अभी तक स्विच ऑफ हो रहा था, बिल्कुल अता पता कोई नहीं है। वहाँ भी गए पुलिस को, ये केस हमने हैंड ओवर भी किया था सर केस, लेकिन अभी तक ट्रेस आउट नहीं हुआ सर। द पेशेंट इज रनिंग आउट सर, सिटल सर 2 महीना 10 दिन हुए अभी तक। अभी सर हम इंसाफ चाहते हैं, वी वांट जस्टिस। हम गवर्नर साहब से, हाई अथॉरिटी से, पुलिस को भी वाजे तौर पर एक गुजारिश करते हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज इसको हमें फाइंड आउट कराएगा सर, क्योंकि ये कमसिन बच्चों का बाप है, इसके जो बच्चे हैं, इसकी बीवी हैं, बहन है, ये सही तरह से खाना भी नहीं खा रहे हैं सर, सिर्फ रो रहे हैं घर में सर। अपील गवर्नर से गए घर वातन अपील पुलिस डिपार्टमेंट सह गर वातन कर्नल अपील अच्छे गए घर दिन अन मे खाम बचे बस ये अपील अपील मे घर वातन यतनस गए घर इन महकमे तलीम सबस्त सीपी वर्करों तरफ आज श्रीनगर में एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल सीपी वर्करों तरफ वन आमुत जुदवे तम महकमे में पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम चुन तिंद मसल अंजराने सवाल कह कदम तुलने आमुत यम कि तम एहजाज कर मजबूर सपद एहजाज में शामिल वर्करों तरफ मांग कर आमुत जिंद मसल अंजराने सवाल ग संजीद कदम तुलन यन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर कर अब्दुल गनी मलिक मैं आल जे एंड के कंटिजेंट पेड एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेट प्रेसिडेंट। आज हमारी जो ये स्टेट बॉडी इधर आई है, प्रेस कॉलोनी में आई है, इसी सिलसिले में आए कि हम 4 साल से लगातार सफर कर रहे हैं सीओ एफसू में, हमारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है रेगुलराइजेशन के लिए। SRO 308 के तहत हमें 50% कोटा मिल रहा है, जिसका डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, सीओ साहिबान उसमें चेयरमैन बन गए हैं, लेकिन हमारी DPC नहीं हो रही है, सिर्फ वेरिफिकेशन पर वेरिफिकेशन हो रही है। हम आपके माध्यम से तमाम ऑल सीओ साहिबान जो कश्मीर डिवीजन के सीओ साहिबान है गुजारिश करते हैं 10 दिन के अंदर अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में CPW की पेंडिंग DPC वागजार होनी चाहिए। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन महकमे सबस्त नीड बेस मुलाजमो तरफ आज बड़गमस मं एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल नीड बेस मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजमो तरफ वन आमुत जुदवे तम महकमे मं पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम चुन पत्मे कैया कल पे तिहन तनखा वागजार कर आमुत यम कि तम मुश्किल मं हन आई एहजाज में शामिल मुलाजमो तरफ एल जी इंतजामिया मांग कर आमुत तनखा वागजार कर सवाल गदम तुलन यन युत जन तम मजीद मुश्किल वेतरन पे ये डिपार्टमेंट देखो अभी भी कोई यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है। ये देख लीजिए आप सर, ये गेट है हमारे डिपार्टमेंट का, आप देख लीजिए यहाँ पे कोई नहीं है,
यहाँ पे मैडम भी नहीं है और बाद में बोलते हैं कि वो बाद में बोलते हैं कि हम जेडी ऑफिस में थे। यहाँ से डीसी ऑफिस जो हमारा है वो कुछ कदम की दूरी पर है। हम देख लीजिए सर, ये कितने बंदे हैं यहाँ पे, मतलब इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। गवर्नमेंट ने पूरी सैलरी दे दी हमको 7,500 पूरे एक साल की, लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ लड़कों को निकाल कर, जो मुझे सुनने में आया कि वो इनके रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको सैलरी दे दी। लेकिन हम देखिए सर, हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हम गवर्नर साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज टेक एन अल्टीमेट एक्शन रिगार्डिंग दिस, कि आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफिस में कितनी इस टाइम तो प्रेजेंट होने चाहिए थे, जबकि हमने उनको कॉल भी करी थी, लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं आए। हम चाहते हैं कि मतलब हम गवर्नर साहब से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज एंड प्लीज टेक एन अल्टीमेट एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स हु आर इन्वॉल्वड इन दिस, कि उन्होंने उन बच्चों से पैसे लिए हैं और इनको भी बोला था कि आप पैसे दे दीजिए, पैसे आने के बाद आपको तनख्वाह दी जाएगी। खुमरियाल लोलाब के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत जदवे मुकामी नालस मं सख बाजर खालन सकामी लूकन मं तजु पद सपुद तो अमे हवाल कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदार जोन अत मामलस कुन फिर आव ताहम कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूक सड़कन पे यस मजबूर सपद मुकामी लूको तरफ जिले इंतजामियास मांग करना आमुत जत पे रोट लागन हवाल गन कदम तुलने यन युन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर कर। خمریال حظ روزان اس حض یہ نالس مس اچھ گیر گمت خوشک اس گئی آج زالجی ڈپارٹمنٹس تہ پولیس افسرن تہ تمو دس یہ زالجی ڈپارٹمنٹ کھول تم افسر تمن 8.5 فٹ کھنمت امن 3 فٹ کھن یہ ورس مز اما کھنک یہ ورس مز 8.5 فٹ پہ دب تب ایس پی صوبن تھی گھو سا تمہن گوڑ آئے تم وہ بلک اس پلس والے آت ام جائیں آئے دبک وہ ہسا کدلس نش دے یہ ڈی سی صوب اس یور کرو تس پن مطالبہ پلس ول تہ سل وہ آئے یتن رکا نا ڈی سی صوب کی اچھے سانے مہنی گیس انتظار ڈی سی صوب نس سون مسلہ کرے حل اس دے ام نش دی اس نجات سون یہ ڈیمانڈ مشین گھس نالس من لگن کی دریاوس مطلب ات مطلب مشینوں سی تلان یہ باجر واجر تلان مشینوں سی یہ ورس مز تلان 2 فٹ امت تلو ورس مز 9 فٹ یہ مجھے اڑین جائیں تی درن تم اگر تم نفر گھس سہ ہوں بچت کھینچ کیر مطلب کنوہ کیر محلس مز کنوہ کیرو مجھے اکس کیرس تہ آب کی ونکس سان مطلب زن وم بالکل مطلب آب قطر دار مطلب کلو میٹرس پہ پیوان گھن اس آب قطر دار تو اس لیے اچھے ڈی سی صبس کر رکویسٹ اس کرتو یہ نال بند اس مکلو تو نم ظلم ڈاٹ سر ترالس مجھے آج انتظامیہ طرف اندامی کاروائی عمل مز ان آمت یا دوران کی تعمیرتی ڈانچ منعدم کرنا آئی یل زن زمداروں طرف لوکن ون آو تم گھن غیر قانونی طور تعمیرتی ڈانچ کھڑا کرنس گریز کریں یت زن تم خلاف قانونی کاروائی عمل مز ان یی وادی کشیر مز یت وند کالس دوران لوکن کئیو رنگو مشکل ویترن چھ پیوان تت چھ بجلی ہز یت گژھے ست وادی ہند لوک وند کالس دوران آولنس مز ہن یوان وند کال تہ بجلی ہز یت گژھے حوالہ چھ لوکو پنن خیالن ہند اظہار کرنا آمد برا حال ہے بجلی جو شیڈول انہوں نے بنایا ہے شیڈول میں بہت پرابلم ہے جو شیڈول بنایا لائٹ تو آتی ہے ٹائم پہ لیکن 2-3 منٹ رہتا ہے پاور تو پھر چلا جاتا ہے پھر تو لائٹ کا آنا ہی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو گیا اب تو لائٹ 3-4 منٹ آتی ہے پھر جب اس کا شیڈول اب جو لاسٹ 2 گھنٹے اگر ہوتا ہے لاسٹ 2 منٹ آتا ہے پھر اس کے بعد بجلی غائب بھی ہوتی ہے ہمیں بہت دشواری ہو رہی ہے یہاں پہ بہت مشکلات ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے آج کل جو ایگزام چل رہا ہے تو بچوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہے تو یہ سب سے بڑی پریشانی ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے نوٹس میں بھی ہم لا رہے ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے بہت بار میں نے ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی کو بھی کال کیا ہے ہم نے بہت بار ان کو بولا ہے لیکن وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے ملازم ہیں وہاں یہاں پہ ڈسٹرکٹ بڑگام میں ان کو ہم بولتے ہیں لیکن وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں کبھی ہمیں بہت دشواری ہو رہی ہے اب ونٹر میں اب تو سردیاں بھی بہت ہے لیکن اب ہم گورنر ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے شیڈول دیا ہے ایڈمنسٹریشن نے جو شیڈول دیا ہے اگر شیڈول کے مطابق بجلی آئے گی تو ہماری تو مشکلات آسانی ہو جائے گی لیکن بہت پرابلم ہے اس ٹائم اب تو ایگزام بھی آ رہے ہیں بچوں کے بہت پرابلم ہے زبردست پریشانی پاور ٹوٹل کہیں ٹوٹل کہیں پاور
ये मान मिनट खंड गावर मिनट खंड गावर हो बचन एग्जाम चलान मैट्रिक चलान एग्जाम ट्वेल्थ चलान एग्जाम पवर कुछ बच्चे परेशान परेशान फीस फीस मन कह रियात फीस बराबर पवर कुछ अमी खुद इस ये हुकूमत जूठ कस आज क्या गवर्नर सब अपील कर असन पवर बराबर आज बचन चलान एग्जाम पवर कुछ ना जात सो फार द पवर कटलमेंट्स आर कंसर्नड दिस इज वेरी हैविक फार द आल द पीपल एंड पर्टिकुलरली फार द स्टूडेंट कम्युनिटी बिकॉज दे आर फेसिंग लॉट ऑफ कोल्ड देयर इन द क्लास रूम्स इन द एग्जामिनेशन हॉल्स आवर रिक्वेस्ट इन जनरल हियर इज अ जनरल पब्लिक यू कैन वॉच यूर यू कैन मूव यूर कैमरा टूवर्ड्स देम हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो पावर कटलमेंट्स है इनको अगर ज़्यादा सीवरी है तो माइल्ड किया जाए हम ये नहीं कहते हैं कि 24/7 आवर्स पावर रह सकता है बिजली रह सकती है इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो सकती है क्योंकि इधर से जो विंटर का सेशन आ रहा है विंटर मंथ्स आ रहे हैं इसमें तो होता है कटलमेंट्स होते हैं मगर हम मॉडरेट कटलमेंट्स चाहते हैं हम माइल्ड कटलमेंट्स चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो एग्जामिनेशन देते हैं और एग्जामिनेशन में उनको हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है वो हार्डशिप्स फेस करते हैं हम गवर्नमेंट जो इस वक्त एलजी सेना है गवर्नर साहब है उसको और डीसी साहब को पर्टिकुलरली हम अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें हमारे बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन हालस में मुसीबत झेल रहे हैं और पावर जो है आंख मचोली का ये दिन ब दिन जैसा खेल होता है आंख मचोली का खेल हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम गवर्नर एलजी से ये मुआयदबाना गुजारिश करते हैं इल्तिमास करते हैं कि हमें ये जो पावर है ये अच्छी तरह से रिस्टोर किया जाए हाँ ये तो एक क्राइटेरिया के हिसाब से अगर बिजली बिल भी भरनी पड़े मतलब एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक मीटर सिस्टम लगना चाहिए मीटर सिस्टम तो हमारे इलाकों में नहीं है मगर बिजली जो बिल है हमें हर किसी को सेम बिजली का बिल भरना पड़ता है ये अफसोस ये अनफॉर्चुनेट है ये इट्स अ टोटली अनफॉर्चुनेट स्टेप फ्रॉम द गवर्नर कंसर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट कंसर्न ये एक ऐसा है कि क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए कि क्राइटेरिया के हिसाब से होनी चाहिए बिल भी होनी चाहिए अगर ई बिल भी आती है आजकल तो मगर पावर जो है वो बैलेंस नहीं करता है गवर्नर इंतजामिया से ये दरखास्त करना चाहेंगे कि यहाँ पे पावर जो है अगर कम से कम 24 घंटे नहीं होता है लेकिन फिर भी 5-6 घंटे रात को पावर होना चाहिए खासकर 6 बजे से लेके 10 बजे तक कम से कम पावर होना चाहिए नहीं कुछ नहीं हुआ जिस तरह वो कहते थे कि 370 के बाद यहाँ पे कुछ होगा डेवलपमेंट होगा हमें तो डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है बिजली तो यहाँ मेरे ख्याल से एक घंटा भी नहीं रहता है कभी 5 मिनट के बाद फिर बिजली लेती है काफ़ी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि 10th और 12th का एग्ज़ाम चल रहा है इस वक्त बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं इस वक्त यहाँ पे काफ़ी गरीब भी लोग हैं जिनके पास सोलर सिस्टम नहीं है इन्वर्टर नहीं है वो मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं यही अपील रहेगी कि यहाँ पे पावर कम से कम 6-7 घंटा होना चाहिए सर अस गए वहाँ आज 3 वरी यहाँ पे 5 अगस्त 2020 पे गो अब डेवलपमेंट करो डेवलपमेंट गो बिजली कत बिजली चौवन घंटे मे 2 घंटे तोजान मावर अलग खास कर तकरीबन लोकट मार्केट अत 4 हथ 5 हथ दुकान कम से कम दौर ग रोप 5-6 लक्ष नुकसान तिका ट्रेडन थोम प्रोग्राम जुम्मा दह मावर बंद मावर बंद अगर बिजली बहाल गई नी कम दोन दिन मा मावर बंद एडमिनिस्ट्रेशन वोमुत तहसीलदार वोमुत एस एच ओ सबस वोमुत अगर से दोन दिन मे गो ना मसल हल के कर मावर बंद सारी ये सो मार्केट इस गरीब तरीन मार्केट रोप 5 हथ जाना अथ पे सो अल पुन चीर चलान अमे मूज कर्मुत तमाम एडमिशन मुतल अगर से दोन दिन तीन मसल हल गो नी बचन चलान एग्जाम तुम बिचार लाइट अक्सर लूट से गरीब मोमबत्ती लालटेन प्रण पे आम प्रोन 1965 मसल आज बे सब अगर दोन दिन तुम सारी मसल गो हल अगर दोन दिन मावर बंद बस मार्केट प्रेसिडेंट बस अपील कर प्रोग्राम अगर दोन दिन सोन मसल हल गो बिजली मसल बिल्कुल बाकी रोड वोड बाकी सोरे पेंडिंग कार मगर मार पावर
वादी कशीर अंदर वंद काल तो वंद कालस दौरान लूकन कईहो रंगो मुश्किल वेतरीन पेवान तो इन मुश्किल में सारी खुद बोर्ड मुश्किल उस वंद कालस दौरान सह बिजली हुंद यत गई तो अगर इस इंतजामीच कात करो इंतजामिया तरफ सेप्टेम्बर अक्टूबर दौरान ये इंतजामी कन जिम्मेदारन प्रश्न बिजली हवाल तो वंद कालस हवाल तिहुंद वनुन छ यी आसान ज इंतजामिया मुतहरिक करना आमस तो वंद कालस दौरान इन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल बुथि तिकाज इंतजामिया तरफ तमाम तर इंतजाम मुकमल करना आमत ताहम ये वंद काल वातान तो वंद कालस दौरान लूक कईहन मुश्किल हुंद इजहार करान तो तिमन मुश्किल हवाल पन ख्याल राय इस ब्रोट कन थान अजकिस ये खबरनामस मज करो इस कात वादी में बिजली तो बिजली हिं यत गु तुम बोजान कईहन इलाकन शुमाली कशीर हिंदा कईहन इलाकों मज लूको वन कि बिजली कटवती उस जरूरी मगर बिजली वुश् बापत लूकन घंटे वाद इंतजार कर पेवान तो कैचन मिनटन बिजली इन पत बे बिजली गायब गसान अत पे कत कर बापत सनक श्रीनगर पे सन साथी सईद इरफान फाजिल ते इरफान खबरनामस में तुम सठा खैर मकदम अगर बिजली हवाल इस कात करो यम स्क्रीनस पे विजुअल पिंगलन पुलवाम गोड वन बो ये कि यम अमे इलाकुक वनन कि जरी ब्रो गो मुकम्मल ये रिसीविंग स्टेशन इंतजामिया तरफ आव यह वन कि लूकन हिंद मुश्किल नजर तल थ करो कम रिसीविंग स्टेशन जरी गई मुकम्मल सपदमित मगर आज तान चुन चालू करना आमुत कह नंबर अख नंबर ज इंतजामी कन जिम्मेदार ये प्रसन्न बिजली हिं यह गई हवाल तिहुद वन कि गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल ओवरलोडिंग सपदान तो तम सैन कह फीडर इन पे जोर वातन तो बिजली कटवती सपदान आम लूकन हुंद बोजन आम लूकन हुंद वन बिजली फीसस मन बेतहाश इजाफ कटवती जरूरी मगर कटवती गैचन घंटन हिं आ बल्कि बिजली कैचन घंटन कटवती वारियान घंटन ओवरऑल अगर वो क्या वजह रेत कलिस दौरान इंतजामिया तरफ वन प्रेत वरी कि यम वरी गज बिजली निजाम सही मगर ये वंद काल वातान बेस हालत आ सठा शुक्रिया अमीन साहब अगर तुम इत कत कर पावर हवाल बिजली हवाल के लगातार इस सिलसिल आज के यह नो के अगर वो पत्मन त्रहन वर्यन मुझे लगातार कशीर मन ये आम बोहरान इथे पी चलान लगातार अगर शहर कत करो गामन कत करो अक्सर बेशतर शिकायत कि वंद काल शुरू गत बिजली हिं कटौती गगर ये अगर वो कहानी अलग अख पहलू यानी योत तम डिपार्टमेंट कत करो अगर कह कमी कोत या खास तौर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर मैन मशीनरी लागन यह तिमन तमें वजन याद पे ये वजन वनो कि नार वज क्रूर खनन यानी खसूस अगर वो कि वन शीन तैयारी रूद तो वह लागो पोलन करो यह मरमत या बिजली तारन करो मरमत अमे मजीद तिमन चीज याद पे मगर सतन अगर वो ज्यादा मुश्किल वनकसन खसूस जमीनी सुथरस पे वन वन यहां खास तौर पर कशीर हिंद लूख तम अक्सर बेशतर शिकायत करान कि बिजली हुंद बोहरान बिजली हिं कटौती अक साइड फीस दिवान अक साइड असल वनो कि अच्छा खासा यह रकम अदा करान क्या मीटर तगित नॉन मीटर इलाकन अगर कत करो तथा तिम नॉन मीटर इलाकन मज तुम वन पावर रोजान कहीं मगर अमि सतन अगर वो तम इलाक तम खास तौर पर अगर मीटर लगोमुत तुम पावर मगर ये मीटर लगोमुत तुम पावर कहीं यानी वो शड्यूल करना आव इस बना आव बाजब तौर पर सह अनशड्यूल बनोमुत यानी तथ हिसाब अगर वो नॉन मीटर्ड एरियाजन मन वन कि ओर घंटे या पांच घंटे रोज बिजली कटौती नॉन ये मीटर लगे तथा रोज डोड घंटे कटौती मगर यह सोरे उल्ट यानी खसूस अगर वो वनकसन कंज्यूमर्स त्रे सा चोर सा रुपये बिजली फीस रेतस दिवान तिमन तथ मगर कलकन कत करो नौगाम गुलशन नगर बरजुल बागा छानपोर या खास तौर पर हैदरपुर हुमहामा एयरपोर्ट इलाक इन इलाकन मगर वो कि ये लगातार मीटर लगम मजीद लगातार मुश्किल वनकसन जमीन सुथरस पे बोजन यहां वनकसन अहाकार मचोमुत यहां वन वंद काल शुरुआत सपदम यानी वन वंद शुरू सपदमुत वन ब्रो कल कलान तथा पे पे श तथ मे रोजन बे मुश्किल जमीन सुथरस पे यान वक्त मे वनो कि हेको वह नो एक्सपेक्ट कर बिजली मिल कहीं
بالکل عرفان تہ سٹھا شکریہ تھی روزیو خبر نامس مزہ سی سید عرفان فضل یم زن سرینگر پہ ست خبر نامس مز موجود اس کت سپدان ات پہ کہ اس وند کالس دوران وادی اندر بجلی کٹوتی تو ون تمہ آئی شین پین یم آئی وند کالس مز ایکسپیکٹ آسان کچھ بار شین پین پتہ ہکن مزید مشکلات تہ لوکن یت تو تمہ بروہی وادی ہندیو مختلف علاقوں پہ لوکو طرف شکایت باونہ یوان کہ بجلی کٹوتی یس زن غیر ضروری بجلی کٹوتی ام سی طالب علم من ست ست عام لوک تہ مشکل ہند شکار سپدمت تو ات ست ووت کشر خبر نامہ اند دیو اجازت خدا سوال